गाइस टू द न्यू ब्लॉग ऑफ शिमला मनाली कसोल। कसोल इंक्लूड हुआ है इस ब्लॉग पे, कसोल पहले था नहीं। तो आज ही हम लोग पहुँचे शिमला में, टॉय ट्रेन से आए। जैसे पिछले ब्लॉग्स पे ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, अभी किशन भाई इंक्लूड हुआ है। ये अपना ये हमारा न्यू मेंबर है, बहुत मेहनत करके आया है। फिर क्या क्या किया वो डिटेल में जाते जाते मनाली में बात करते रहेंगे कि कैसे ट्रिप, अगर हम चाहे कि ट्रिप करें तो किसी भी हालत में हम लोग ट्रिप कर सकते हैं। फिर हम लोग उठे होटल गंगा पे, यहाँ पे आके ही कुछ प्लान्स बना, प्लान्स पे कुछ चेंज था। पहले हम लोग सोचे थे कि ऐसे ही चलेंगे अकेले, उसके बाद प्लान्स चेंज हुआ। आज तो यहाँ पे टैक्सी लोगों का स्ट्राइक चल रहा है, कुछ पता नहीं किसके लिए। तो आज टैक्सी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कैब्स नहीं चलती। तो अभी आज हम लोग सिर्फ मैल रोड घूमेंगे, द रिज एंड चर्च, और पैदल जहाँ जहाँ जा सकते हैं हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी तो हम लोग बहुत टायर्ड है क्योंकि दो दिन जर्नी किए ट्रेन से, उसके बाद बहुत हेक्टिक रहा यहाँ तक पहुँचने का। किशन भाई तो दो रात से सोया नहीं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन दिस ब्लॉग, आगे आके देखते हैं होता है क्या। बाप रे बाप गाइस, तीन लेयर पहना, उसके बाद भी इतना ठंडा है ना यहाँ पे। और बारिश हुआ अभी अभी, बारिश होने के बाद यहाँ पे ठंडा हवा बहने लगा और बस हो गया, फट गई हमारी। गुड इवनिंग गाइस, अभी सो के उठे, जस्ट सोने के बाद तैयार होके, तो अभी हम लोग सफिशियंट लेयर्स पहन के बाहर गए। अभी चल रहे शिमला मैल रोड। नहीं इसका अच्छा लो, क्या प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम, क्या फोटो, फोटो खींचना, किसका फोटो, हेलो ना फोटो लो ना, फोटो लेने का बहुत मस्त मस्त जगह है। एक कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, किसी जन को ना ज़्यादा फोटो खींचना होता है। अब बात है फोटो जिसका खींचना होता है वो अलग बात है, लेकिन उनका फोटो खींचे कौन। चलो कमांडर लीड करो, काल हुआ आज के कमांडर है। मैडम सर प्लीज, लेकिन चलना कहाँ ये पता नहीं। ये हमारी टीम चल रहे है अभी, कहाँ चल रहे है, द रिज 850 मीटर्स फ्रॉम और होटल। अब होटल किधर है ये मत पूछना, द गंगा होटल। होटल की डिटेल्स अपना कमांडर इन चीफ कल्याण शर्मा प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड करो। होटल गंगा में हम ठहर रहे हैं, होटल इज वेरी नाइस, बहुत अच्छे से वो लपेट लेंगे आपको। वैसे अच्छा पैकेज है गाइस, एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो इससे पहले भी बहुत सारे इधर उधर वेस्ट बंगाल में ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे ना तो पहले आपको दो तीन बार वार्निंग देगा कि पहनो पहनो, अगर नहीं पहन रहे हो तो दे विल चार्ज इमीडिएटली 1000 रुपीज। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो हमने मास्क नहीं पहना था, तुम बिना मास्क पहने गया, तो फर्स्ट वार्निंग दिया, उसके बाद वार्निंग दिया, उसके बाद वार्निंग दिया, कुछ किया नहीं। चलो हमारे लिए तो अच्छा है। इतना प्यार आ रहा है ना इसे, ओ यह अपनी हीरोइन कलर के हिसाब से मास्क ले रही है, एकदम फैंटास्टिक फैंटास्टिक सुपर सुपर। मास्क नहीं उतरना है किसी को, देखो देखो क्या सीख मिली गाइस, कि मास्क पहन के रहो, मास्क नहीं पहनोगे
तो फाइन लगेगी. एनीवे सो वी आर इन मॉल रोड. बहुत बड़ी जगह है और बहुत सुंदर है. I'm trying to make y'all comfortable. For the record, I'm trying to grow and stuff for you. मुझे आज आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दैट कि मैंने अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना भाई को दे दिया. नाउ ही कैन टेक फोटोज. कैसा रहा भाई? अबे सौरभ, सौरभ तू सीख गया ना? हाँ सीख गया, 20% तो सीख गया. अब भाई के जितना सीखने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, तो एक दो महीने में सीख जाऊंगा पूरा. पानीपुरी खा रहे हैं कुछ यहाँ नहीं यार, शूटिंग करने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए पानीपुरी खा रहे हैं. और मैं तो टेस्ट के लिए खा रही हूँ, as डन फॉर शिमला. बहुत हो गया माइल रोड घूम लिए. अभी हम लोग बेकरीज पे आए. वहाँ पे हॉट चॉकलेट है, वो कॉफी नहीं है. खा रहा हूँ हॉट चॉकलेट एंड ब्लैक फॉरेस्ट पुडिंग. एक्चुअली मैं चीज़ केक ढूंढ रहा था लेकिन चीज़ केक मुझे मिली नहीं. तो शिमला आए, घूमे फिरे, केक और हॉट चॉकलेट अगर नहीं खाए नहीं पिए तो. What's up guys? Good morning from Shimla. आज हम शिमला से चलने वाले हैं कसौल की तरफ. तो सोचे कि जाने से पहले एक बार रूम टूर दे देते हैं आपको, हमारा रूम कैसा है. ये डबल बेडेड नहीं, फोर बेडेड सूट है. बहुत बड़ी रूम है, आप देख लो. और व्यू भी मस्त है. उसके बाद ये है एंट्रेंस. यहाँ से जैसे ही आए, रूम थोड़ा बिखरा हुआ है दोस्तों, थोड़ा मतलब माइंड मत करना. Hey guys. He's saying good morning to everyone. उसके बाद यहाँ पे व्यू पॉइंट है अपना. ये अपना व्यू. एक और कमरा है. इसके बाद एक और रूम है यहाँ पे. ये भी डबल बेडेड है. आज हम लोग जाने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल कुफरी. कुफरी में टेम्परेचर बहुत कम है भाई. कुफरी का टेम्परेचर देखना एक बार. उसके बाद कुफरी से चले जाएंगे डायरेक्ट कसौल. कसौल हमने सुना कि 6-7 घंटा लगता है, एग्जैक्टली पता नहीं. कुफरी से पहले अटेंशन एवरीवन, सब लोग 4-5 लेयर पहनने लगा क्योंकि उसका टेम्परेचर 3 degrees है. दीपक जी मिल चुके हैं. दीपक जी को दिखा दो एक बार. ये हमारे पायलट सर दीपक जी. दीपक जी मिल चुके हैं. दीपक जी हम लोग के साथ पूरे ट्रिप पे रहेंगे एक साथ. फिलहाल तो ये डिसाइड हो गया कि कहाँ बैठना है. किशन भाई को थोड़ा कंप्लेन था, वो कंप्लेन हम लोग रास्ते में फुलफिल कर देंगे. ठीक है भाई. उतना कुछ खास नहीं है जितना पॉपुलर ये प्लेस है. घोड़े पे चलो, इस रास्ते से जाओ. अब मुझे लगा था कि इस रास्ते से हम लोग पैदल जा सकते हैं, घोड़ा नहीं लेंगे, लेकिन आपको देख के तो लग नहीं रहा है यहाँ पे यहाँ से पैदल जा सकते हैं. उतना अच्छा नहीं लगा तो हम लोग सोच रहे कि इसको स्किप कर दे. थैंक यू. घूमने से पहले मैं बहुत जगह पे मतलब बहुत YouTube में सर्च किया. वो तो पता है. लेकिन YouTube में क्या है, यूट्यूबर्स बोलते कि कुफरी जाओ.
यूट्यूबर्स बोलते हैं कि कुफी में घूमो, कुफी में ये है, कुफी में वो है, लेकिन पता नहीं शिमला के व्यू से बोलते हैं क्योंकि शिमला में और कोई जगह नहीं है उतनी कुछ खास। कसोल की तरफ, कसोल में टेंट पे रहने की प्लान है, तो वो तो आगे चल के आपको पता ही चलेगा, हमको भी पता चलेगा।